फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। हियर द मीनिंग ऑफ फंड मींस चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। साल भर में हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं उसमें हमें ड्यू टू देयर ट्रांजेक्शन्स हमारे फंड में क्या चेंज हुआ, दैट विल फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। हम इसके लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट से हम उसे एनालिसिस करते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या करते हैं, आपको दो बैलेंस दिए जाएंगे, फर्स्ट ईयर का बैलेंस और नेक्स्ट ईयर का बैलेंस। फर्स्ट ओपनिंग फर्स्ट ईयर के बैलेंस या लास्ट ईयर का बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है और करंट ईयर के बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है। बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं, एक लायबिलिटी साइड एक करंट साइड। तो हमें जो लायबिलिटी साइड जो दिया है उसका बायफर्केशन दो ग्रुप में करना है, एक करंट दूसरा नॉन करंट, करंट या लॉन्ग टर्म, और तीसरा प्रोविजंस एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। व्हाट अबाउट असेट्स? असेट्स होंगे तो असेट्स होंगे, उसमें करंट असेट, नॉन करंट असेट एंड फिक्स असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स। इसके बाद आपको जो एडजस्टमेंट कुछ दिए जाते हैं, एडजस्टमेंट में आपको क्या दिया जाएगा, करंट ईयर प्रोविजंस अबाउट डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, और कुछ असेट परचेस और असेट सोल्ड, सम शेयर्स इश्यू एंड सम शेयर्स एंड डिविडेंड इश्यू रिडम्पशन। तो हमें क्या करना है, हम असेट साइड से जा रहे हैं, असेट साइड से जो करंट एसेट्स है वो स्टेटमेंट शोइंग की चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वहां लिखते हैं। करंट एसेट के बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस साइड में आपको उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करते हैं, यहां एक डिस्कशन लिया है उस स्टेटमेंट में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको करंट एसेट लेना है, करंट एसेट ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट ईयर के बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है, करंट ईयर के बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है। इसको कंपेयर करते हैं, अगर ओपनिंग बैलेंस है दीज आर इन थाउजेंड्स 30-30 और क्लोजिंग है 40, यानी इंक्रीज इन करंट एसेट इज इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, डिफरेंस इंक्रीज में लिखा जाता है। हो सकता है जैसे डेटर्स ओपनिंग 70 थे क्लोजिंग 65 हो गए, डिक्रीज हो गए, डिक्रीज इन करंट असेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, नो चेंज इन करंट असेट नो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। करंट असेट टोटल करंट असेट से लिखते उसकी टोटल करते, उसके बाद जो फिक्स असेट होंगे उनके अकाउंट ओपन करते हैं, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद हम अगर लाइबिलिटी साइड जाते हैं, लाइबिलिटी में एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज शेयर्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ गए तो सोर्सेस ऑफ फंड्स कम हो गए, एप्लीकेशन ऑफ फंड शेयर्स डिबेंचर्स इंक्रीज हो गए, सोर्सेस में डिक्रीज हो गए एप्लीकेशन। अब करंट लाइबिलिटीज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लेते हैं, करंट लाइबिलिटीज देखो क्रेडिटर्स 28-30 हो गए, यहां रिलेशनशिप बिटवीन करंट लाइबिलिटी एंड नेट वर्किंग कैपिटल इज इनवर्स रिलेशनशिप, यानी लाइबिलिटीज बढ़ गए तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, लाइबिलिटीज कम हो गए इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, नो चेंज इन करंट लाइबिलिटीज
नो चेंजिंग होती है। अब करंट लाइबिलिटी में टोटल करते हैं, करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी लेस क्या, उसे नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल की टोटल करने के बाद उसे कंपेयर करते हैं, ओपनिंग नेट वर्किंग कैपिटल था 95, क्लोजिंग नेट वर्किंग कैपिटल हो गया 100, डिफरेंस व्हाट विल बी दैट इज इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल। वो बैलेंसिंग फिगर से इसी रेट से यहां ऑपोजिट में इंक्रीजिंग वर्किंग इसकी टोटल अपने आप एंड होगी। ये इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल आपको एप्लीकेशन में देते हैं। एक बात क्लियर हो गई कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में सिर्फ करंट असेट लेते हैं, करंट लायबिलिटीज लेते हैं। करंट असेट बढ़ गए तो इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल, करंट असेट कम हो गए डिक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी का रिलेशनशिप इनवर्स है, करंट लायबिलिटी बढ़ गए तो डिक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल कहते हैं और कम हो गए इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल। उसके फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, सोर्सेस में हमें पैसा कहां से आता है अदर देन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। एक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, तीन फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन जो बैलेंसिंग फिगर एडजस्टेड पी एंड एल से लेते हैं, और चार इन केस ऑफ डिक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल एज पर शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इसके या ट्रांसफर करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या क्या होता है, रिडक्शन ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड डिविडेंड्स एंड इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल, जो हमने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल बनाया है। उसके बाद हम बनाते हैं टेबल एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस। एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस कैसे बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस डॉट डॉट, करंट ईयर के जो भी प्रोविजंस हैं जो पीएनएल के रूप में लिखते हैं वो एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस के रूप में लिखते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर वैटेज, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रीमियम एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जनरल रिजर्व रिटर्न ऑफ और टू बैलेंस कैरी ऑन नेट प्रॉफिट। दोनों में से जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन सोर्सेज में लिखते हैं। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म असेट्स है, सॉरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है एंड फिक्स असेट्स, इनके अकाउंट ओपन करते हैं। बैलेंसिंग फिगर में क्या क्या होता है, अगर फिक्स असेट है डेबिट से बड़ी है तो क्रेडिट में आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा, अगर क्रेडिट बड़ा है तो डेबिट परचेस ऑफ असेट होगा। उसकी प्रैक्टिस हम एक्चुअल प्रॉब्लम जब करेंगे वहां देखते हैं। तो वेरी सिंपल फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, आपको असेट्स के दो ग्रुप करना है, करंट असेट दूसरे नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स, लायबिलिटी के तीन ग्रुप करना है, एक करंट लायबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और तीसरा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। हमें स्टेटमेंट बनाने हैं, एक शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जिसमें सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज लेते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट जिसमें सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड, तीसरा एडजस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट द फंड फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग अकाउंट में कुछ असेट्स के अकाउंट और कुछ लायबिलिटीज के अकाउंट, कुछ प्रोविजंस के अकाउंट्स। ओके, विल सी वेयर द एक्चुअल प्रॉब्लम इज देयर, हाउ टू सॉल्व इट।